हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के अपने स्टूडियो में हम किसी भी फोटो के पीछे से बैकग्राउंड को कैसे हटाए ये सीखने वाले हैं, यानी कि किसी भी फोटो या इमेज की फॉर्मेट को जेपीजी से पीएनजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें ये जानने वाले हैं। गाइस, ऐसे फोटो की जरूरत कभी कभी हमें अपने यूट्यूब थंबनेल को बनाते वक्त पड़ती है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं वहाँ पे पड़ती है। बट इससे पहले गाइज, अगर आप अपने वीडियोस के पीछे से ग्रीन बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इस पे पहले से वीडियो बना रखा हूँ क्रोमा ट्यूटोरियल पे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए देखिए, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से इसे देख सकते हैं और आसानी से ग्रीन बैकग्राउंड चेंज करना सीख सकते हैं। सो गाइज, चलिए बिना समय गवाए आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइज, अपने फोटोज के पीछे से बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए सिंपली आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम बैकग्राउंड इरेजर है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर यहाँ सर्च करना है बैकग्राउंड इरेजर। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर करके एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे लोड अ फोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको आपके डिवाइस के फोल्डर में ले जाएगा। यहाँ से आप जिस भी फोटो के पीछे से बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ कोने में डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फोटो के पीछे बैकग्राउंड है। तो सिंपली इस फोटो के पीछे से बैकग्राउंड को हटाने के लिए नीचे यहाँ ऑटो को सेलेक्ट करना है। देन आपको इस फोटो के पीछे के बैकग्राउंड को ऐसे स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, इस फोटो के पीछे से बैकग्राउंड हट जाएगा। बट आप यहां देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कंप्लीट नहीं हटा है, तो सिंपली आपको फिर से यहां स्कैन करना है जहां जहां है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, ये बैकग्राउंड हट जाएगा। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं, यहां से बैकग्राउंड जो है ऑलमोस्ट हट चुका है, बट कहीं कहीं पे बैकग्राउंड हल्का हल्का रह रहा है, तो उसके लिए यहां हमें मैनुअली इसे हटाना पड़ेगा। तो सिंपली आपको नीचे यहां मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन जहाँ जहाँ बैकग्राउंड है वहाँ वहाँ पे आपको इसे मैन्युअली यहाँ से इरेज कर देना है। इनकेस भूल से आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो नीचे यहाँ अंडू और रीडू का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप इसे रिकवर कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इमेज के पीछे से बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली हट चुका है। इसके बाद गाइज हमें यहाँ डन पे क्लिक करना है। देन आपको इस इमेज को सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में सेव का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देन आप चाहे तो यहां से इमेज को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहां फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका इमेज जो है वो जेपीजी से पीएनजी में सेव हो जाएगा। सो गाइस, ये थी वो सिंपल सी प्रोसेस जिसे फॉलो करके आप भी अपने इमेज के पीछे से बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, या फिर अपने इमेज का फॉर्मेट जेपीजी से पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।